इस समय हम उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद गोपाल जी सेठी के साथ हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश ने 139वीं वीर सावरकर जयंती का साजरा किया और पूरे देश भर से लोगों में एक नया देशभक्ति का ज्वार देखने को मिला। लेकिन हम बात करने आए यहाँ पर स्वातंत्र वीर सावरकर जी को भारत रत्न पुरस्कार को लेकर। आइए बात करते हैं। लेकिन निश्चित, मैंने 2008 में जब मैं विधायक बना था तो महाराष्ट्र के विधानसभा में ठहराव किया था कि महाराष्ट्र सरकार ने ठहराव करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना चाहिए, लेकिन उन दिनों भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी तो उन्होंने किया नहीं। बाद में मैं सांसद बन गया, तो सांसद बन के जाने के बाद में मैंने 2019 में वहाँ पर ठहराव किया कि स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर जी को भारत रत्न देना चाहिए करके, और उसका जवाब भी मुझे 2022 को आया। नित्यानंद राय जी जो है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के अख्तियार में आता है और वो राष्ट्रपति को भेजते हैं, उसका जो प्रोसीजर है वो उन्होंने बताया। लेकिन मैं मानता हूँ कि प्रोसीजर पूरे देश में बहुत सारे राज्यों में इस प्रकार के स्वतंत्र सैनिक लोग हैं, अब वीर सावरकर जी उनमें से बहुत ऊपर आते हैं, ये एक बात है। लेकिन वो राज्य के लोगों ने प्रस्ताव भेजना चाहिए, तो केंद्र सरकार को भी छुओ मोटो भी दे सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन राज्य के लोग अगर प्रस्ताव भेजते हैं तो फिर सपोर्टिंग हो जाता है, इसलिए महाराष्ट्र की सरकार ने उसको भेजना चाहिए। मैं तो वीर सावरकर जी का प्रतिमा यहाँ पर 2008 में लगाया, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी उन दिनों में गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यहाँ पर आके किया। फिर परसों भी कार्यक्रम जब 28 तारीख को हुआ तो उसी दिन हमारे मित्र अरविंद सावंत जी ने इस मुद्दे को उठाया कि केंद्र सरकार देरी कर रही है, तो मैंने उनको जवाब दिया कि केंद्र इस विषय में मैं अरविंद सावंत जी के साथ में हूँ, हम महाराष्ट्र के सभी सांसद मिलकर वीर सावरकर जी को भारत रत्न मिले इस प्रकार का प्रयास करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार को सपोर्ट मिलने के लिए महाराष्ट्र के सरकार ने यहाँ पर ठहराव करके तुरंत भेजना चाहिए, एक हो गया, एक तो ठहराव की बात हो गई। साथ ही साथ में मैंने महाराष्ट्र के सरकार को एक चिट्ठी उन दिनों में भी लिखी थी कि कम से कम एक तैल चित्र तो लगा दो। दो बातें, एक तो महाराष्ट्र के विधानसभा में आप तैल चित्र लगा दो और दूसरा ठहराव करके भेज दो। इसलिए मैं फिर एक बार मांग करता हूं कि आप ठहराव करके भेजिए भारत रत्न मिलने के लिए, और दूसरा जो तैल चित्र लगाना है महाराष्ट्र के विधान भवन में वो आप लगाइए। चित्र की बात आई सर, तो आपने कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी उस समय आपने मांग की थी कि उन दिनों में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार निश्चित थी, लेकिन मुझे वीर सावरकर जी का प्रतिमा लगाने का परमिशन आर.आर. पाटिल साहब ने दिया था, वो मैंने प्रेस नोट में भी लिखा है। आर.आर. पाटिल राष्ट्रवादी के थे, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे परमिशन दिया, और अभी कांग्रेस राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार है। वीर सावरकर जी पूरे देश के हैं, वीर सावरकर जी पूरे महाराष्ट्र के हैं, लेकिन वीर सावरकर जी विशेष करके मुंबई के थे, इसलिए हम सबकी जवाबदारी और बढ़ जाती है। वीर सावरकर जी दादर के थे और शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी का शिवसेना भवन दादर में है, शिवसेना मुंबई शहर में जन्मी, इतनी बड़ी हुई, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी है, तो उनका तो कर्तव्य तो बनता है कि सबसे पहले भारत रत्न मिलने के लिए उद्धव जी ने और महाराष्ट्र की सरकार ने प्रयास करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के नाते मैं पूरा उनको सहयोग दूंगा, और मैं चाहता हूं कि यह कोई मराठी आदमी के ना हाथों से हो, मैं तो एक सांसद हूं तो उसका मैं फॉर्मेलिटी पूरा करूंगा, इसका मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे कोई श्रेय नहीं चाहिए, और इस बात का मैं दावा भी नहीं कर रहा हूं कि मैंने सबसे पहले प्रस्ताव किया करके, मेरे पहले भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा, तो ये सारे काम का क्रेडिट मुंबई और महाराष्ट्र के मराठी आदमी को मिलेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आपने क्रेडिट की तो बात की कि मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन मूलतः आपका यही ध्येय है, यही इंटेंशन है कि ऐसे स्वतंत्र वीर सावरकर जी को भारत रत्न मिले, तो आपने कहा महाराष्ट्र सरकार भी इसमें रिकमेंड करे और केंद्र सरकार को बताए, लेकिन किस तरह से प्रोसेस होगा? हम चाहेंगे कि ये इसमें राजनीति नहीं हो, आपने शुद्ध कह दिया कि इसमें राजनीति नहीं चाहिए, काम होना चाहिए, तो किस तरह से प्रोसेस हो कि भारत रत्न मिले उनको? प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैं आपके टीवी के माध्यम से सभी बातें खुलकर कहूंगा। शिवसेना अगर ठहराव करती है तो बहुत अच्छा है, शिवसेना अगर नहीं करती है तो अगला विधानसभा जुलाई में जब भी होगा तब मैं मेरे पार्टी के विधायकों को कहूंगा कि आप ठहराव मुंह करो, हम लोग ठहराव मुंह करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सब पॉलिटिक्स उसमें ना हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी है, उद्धव जी ने सो मोटा ठहराव लाना चाहिए महाराष्ट्र के विधानसभा में और पास करके केंद्र में भेज देना चाहिए, और उसी दिन तैल चित्र भी लगाने का निर्णय उन्हें कर लेना चाहिए। तैल चित्र संसद भवन में लग चुका है लेकिन यहाँ तक नहीं लगा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में वीर सावरकर जी जन्मे, पैदा हुए, संघर्ष किया, देश को आज़ादी दिलाई, ये हम सब लोगों का दुर्भाग्य है। मैं अपनी कमजोरी महसूस करता हूँ कि हम लोग तैल चित्र भी महाराष्ट्र के विधानसभा में लगा नहीं पा रहे, और ठहराव तो एक मत से होगा, पता चलेगा ना देश को किसका विरोध है करके, पता चलेगा ना, इसलिए उद्धव जी ने प्रपोजल आना चाहिए। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के मुद्दे में सरकार के बारे में बहुत ना सोचते हुए आपने जो ध्येय की बात की ना, मैंने कहा मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मेरा ध्येय है,
कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न मिले, इसलिए जीवन में एक मौका मिला है तो उसको पूरा करो। बाद में बहुत सारे राजनेता आते जाएंगे काम करने के लिए, हम ही थोड़े लास्ट है, हम अंतिम व्यक्ति है क्या? ये सृष्टि तो चलता रहेगा ना, बहुत सारे लोग आएंगे, बड़े बड़े काम करेंगे इससे भी, लेकिन अपने को जो अभी मौका मिला है उसमें जो काम होता है वो कर लेने का।